अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। भैया हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के संकल्प इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए तो दो बातें हैं इस, ये जो रीसेंट वेव उठी है इंडिया के अंदर हिंदुत्व के गुंडों की, इसके पीछे दो वेव्स हैं। अगर तो ये इलेक्शन का गेम है ना तो थिंग्स वुड बी अंडर कंट्रोल। कुछ इंसिडेंट्स होंगे इधर उधर इक्का दुक्का शोरों में, लेकिन बड़ी लेवल पर नहीं होंगे और इलेक्शंस के साथ ही ये सारा ड्रामा ख़त्म हो जाना है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता अगर ऐसा नहीं है और ये एक आलमी साजिश से जुड़ा हुआ प्लान है, तो इंडिया के अलावा इसराइल और ईरान या फिर मिडल ईस्ट में भी कोई गड़बड़ आप रूल आउट नहीं कर सकते। और अगर ऐसा ही है, ऐसा ही है अगर, तो क्या इसका मतलब यह है कि गज़वाए हिंद अब सर पर खड़ी है? अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आलमी हालात सवाए इसराइल के बाकी हर जगह से हिंदुत्व वालों के हक में हैं नहीं। ऐसे में जंग छेड़ना ये वाली इंडिया की हिंदुत्व के ग्रुप्स के लिए तबाही का एक सबब बन सकती है, जो कि गज़वाए हिंद का एंड रिजल्ट भी बयान किया जाता है कि उसके बाद हिंदुत्व के जो ग्रुप्स हैं वो दोबारा उठना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। गज़वाए हिंद के लिए ये भी एक खबर दी गई है कायनात के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कि शाम से भी फोर्सेस आनी है इस जंग में, गज़वाए हिंद में और बलाद शाम में। आप नोट करें कि आज का जो लुबनान है इसके भी कई इलाके हैं और दीगर अरब ममालिक भी उसके अंदर आते हैं, और यहाँ पर इन इलाकों में कई एंटी इसराइल फोर्सेज हैं। तो अगर मिडल ईस्ट और इंडिया की जंगें इसराइल ईरान फैक्टर की वजह से यूं गड़बड़ हो जाती हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वाले वसल्लम के इन अल्फाज का पूरा होना यकीनन तय है कि वहां से भी इंडिया को रेजिस्ट करने के लिए एंटी इजराइल फोर्सेस आ सकती हैं गज़वाए हिंद में शामिल होने। गज़वाए हिंद की हदीस के मुताबिक यही फोर्सेस फिर यरूशलम जाएंगी, यरूशलम, और इससे यूं महसूस हो रहा है कि एक ही वक्त में मिडल ईस्ट और इंडिया में दो कॉन्फ्लिक्ट्स अलग अलग चल रहे होंगे, क्रिएट हो रहे होंगे और ये लिंक्ड होंगे आपस में, ये लिंक्ड होंगे ऐसा तासर मिल रहा है। और ये लिंक इंडिया और इसराइल टाइज जो हैं इसकी वजह से साफ नज़र आ रहा है कि इंडिया और इसराइल के बीच जो स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं उस वजह से ये जो दोनों जंगें हैं, मिडल ईस्ट वाली यानी इसराइल वाली, क्योंकि यहाँ पर यरूशलम जहाँ पर एंड में आखिर में एक मुआरका होना है, और यहाँ पर जो गज़वाए हिंद, ये इन दोनों के मिलिट्री टाइज की वजह से नज़र आ रहा है कि ये लिंक हो भी सकती है। और अगर इन हालात में हिंदुत्व के गुंडे इंडियन मुसलमानों के खिलाफ एग्रेशन करके रीजन को डिस्टेबलाइज करते हैं, तो ये याद रखें कि चीन की फौज भी इस वक्त इंडियन बॉर्डर्स पर, वो भी फैक्टर आप नज़र में रखें, वो भी लाओ लश्कर के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये भी याद रहे कि एक हदीस है चाइना के लिए कही जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि ये जो हदीस है ना ये सनद के एतबार से बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स के नज़दीक कवी नहीं है सनद के एतबार से, ये एक फैक्टर जहन में रहे, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जो कि इसको हसन मानते हैं। इंडिया के बॉर्डर्स पर खड़े चाइनीज़ फौजी, और ऐसे में इंडिया के अंदर अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक सिविल वॉर छिड़ जाती है और इसराइल की वजह से छिड़ जाती है, तो ये अल्फाज इस हदीस के जहन में आते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खराबुल सिंध मिनल हिंद व खराबुल हिंद मिनल सीन, सिंध की खराबी हिंद से है और हिंद की खराबी चीन से है। सिंध रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हयात मुबारक थी उस वक्त, आज का जो पाकिस्तान है इसका एक नाम हुआ करता था, आज का पाकिस्तान,
और उसकी जो बाउंड्रीज थी वो कश्मीर से लेकर ईरान तक फैली हुई थी। तो ये भी एक फैक्टर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस है कि मुसलमान अहले किताब के साथ मिलकर और एक दुश्मन से लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और अहले इल्म के नज़दीक, मुसलमान स्कॉलर्स के नज़दीक, यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों की तरफ यानी रशियंस की तरफ इससे मंसूब किया जाता है कि वहाँ पर इशारा नज़र आ रहा है। अब इससे भी ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि ईरान की साइड पे उसका रवायती दोस्त रशिया होगा, जिसकी मदद से ईरान ने मिडल ईस्ट का पांसा पलटा था, यानी रूस। अब ये हो सकता है उसकी तरफ हो, और फिर इसी रूस के साथ अगर आप देखें तो चाइना के साथ ज़बरदस्त रिलेशंस की वजह से पाकिस्तान के साथ भी उनके रिलेशंस बढ़ रहे हैं। तो ये जो सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला ग्रुप है, इसके साथ भी रशिया के रिलेशंस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहां से भी इस हदीस को इस एंगल से भी देखना चाहिए स्कॉलर्स को कि हालात क्या उस तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये भी एक सोचने वाली बात है। अच्छा, ये याद रहे कि इधर अगर ये सब कुछ हो रहा है ना इंडिया के अंदर, तो उसी वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान भी जो है ना वो एक टेंशन्स बढ़ रही हैं। इसराइल जो है ये ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमला करने की प्रैक्टिस कर रहा है, और ईरान ने कल क्या किया है, ईरान ने कल वॉर गेम्स की हैं। उन्होंने 16 बैलिस्टिक मिसाइल चलाए हैं कल, और इसराइल के ऊपर इससे उन्होंने सख्ता तारी कर दिया है। 16 बैलिस्टिक मिसाइल, और जिन टारगेट्स पर ये गिरे हैं वो इसराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर्स की शेप के टारगेट्स थे जिन पे ये 16 मिसाइल गिरे हैं। अच्छा, आप बातें इस पे कि ये जो इंडिया और चाइना के बीच अगर हम कहें कि एक टेंशन हो सकती है गजवा हिंद में, अगर होती है शुरू आज के दौर की अगर हम बात करें, अगर इस वक्त शुरू होती है तो चाइना का रोल इसमें हो सकता है, लेकिन वहाँ से रूस तो इनकी सुलह कराने की अटेम्प्ट कर रहा है। तो इसमें हम ये बात बताएं आपको कि इंडिया और चाइना के बीच परमानेंट सुलह नहीं हो सकती दो फैक्टर्स की वजह से। एक तो ये फैक्टर है कि इंडिया के अंदर चाइना के कई इलाके हैं जो कि चाइना के, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जब तक ये मसले हल नहीं होते तब तक परमानेंट पीस इनके बीच नहीं होगा। दूसरा पाकिस्तान का फैक्टर है, पाकिस्तान का फैक्टर भी। रूस हालांकि इंडिया की रिक्वेस्ट पर एक सुलह के अटेम्प्ट तो कर रहा है, लेकिन इसकी कॉस्ट इंडिया को यूएस के साथ खराब रिलेशंस की सूरत में चुकानी होगी। और अगेन वी सेड के पाकिस्तान के फैक्टर की वजह से तब तक इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते जब तक इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं होते, जो कि हिंदुत्व के जो गुंडे हैं ना उनके जो सियासत है और उनके जो प्लान्स हैं उसके हिसाब से नामुमकिन बात है कि पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस अच्छे हों या मुसलमानों के साथ उनके रिलेशन अच्छे हों, ऐसे नहीं हो सकते। अब इस पे हम अगले एपिसोड में बात करने जा रहे हैं कि रूस आखिर ऐसा क्या करने जा रहा है जिस वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशंस में वो जो एक कुछ बेहतरी लाने की कोशिश रशिया कर रहा है, वो ऐसा क्या कर रहा है और ऐसा क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में, और अमेरिका क्या करेगा, इस पे अगले एपिसोड में हम बात करते हैं आज के में। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहां की पुलिस को, यहां के नेताओं को, यहां की फौज को, यहां के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं इन्हीं बातों को कहकर के मैंने बात आपको भूमिका में इसलिए कही, बार बार आप इधर उधर चले जाते हो, यह आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसकी क्या तैयारी कर सकते हो, अभी आपके पास समय, उस तैयारी में लगो, तैयारी पर चर्चा करो। इतना मेरा निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत